Hello students, welcome to my channel. In the last lecture we have discussed echo method, laser method, radar and sonar. ठीक है, तो इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे parallax method. अगर कोई stars वगैरह या कोई astronomical objects हमारे से बहुत दूर है तो उनके distances बच्चों हम इस method से find out कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं what is the meaning of this parallax. This is the change in the position of an object, with respect to its background. When observed from two different points. ठीक है, तो अगर बच्चों हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो हमें क्या लगेगा, उसकी पोजीशन में हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू कुछ चेंज लगेगा. ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ. आप क्या करो, अपने सामने आईज के ऐसे कोई चौक वगैरह या कोई पेन रख लो. अगर आप राइट आई को बंद करके उसकी पोजीशन ऑब्जर्व करोगे तो जहाँ पे वो चौक की पोजीशन है, अगर लेफ्ट आई से उसकी पोजीशन देखोगे तो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द पैरेलेक्स. क्लियर, तो इस केस में बच्चों अगर हमारे पास क्या है, अगर ये वाला कोई ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स. फर्स्ट इज सपोज लेफ्ट, अगर हम इसको आई भी ले सकते हैं, दिस इज लेफ्ट आई एंड दिस इज राइट आई. ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इज कॉल्ड एज बेसिस. ठीक है, तो इस केस में बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डी के साथ. क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द लेफ्ट आई एंड फ्रॉम द राइट आई. ठीक है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों फ्रॉम लेफ्ट आई एंड फ्रॉम द राइट आई, तो यहां पे हमारे पास एक एंगल बनता है बच्चों विच इज कॉल्ड एज थीटा, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज पैरालैक्टिक एंगल, एंड दिस इज व्हाट, दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, और अगर बच्चों हम इसको एक बहुत बड़े कोई सर्कल की फॉर्म में बना दें ऐसे सपोज लाइक दिस, ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस सर्कल. क्लियर, तो इन दिस केस अगर हम थीटा की डेफिनेशन अप्लाई करें बच्चों, थीटा इज व्हाट, थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, एंड दिस इज द रेडियस. ठीक है बच्चों, थीटा इज व्हाट, एल आर आर्क इज सिंपली इक्वल टू दिस बेसिस बी बाय, एंड द रेडियस इज बच्चों इज ओ एल. ठीक है, अगर हमें बच्चों बी पता चल जाए, दिस पैरालैक्टिक एंगल थीटा पता चल जाए, तो हम डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आईज और फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स वी कैन इजिली फाइंड आउट. कैसे करेंगे फाइंड आउट, दिस ओ एल इज सिंपली इक्वल टू बी बाई थीटा. ठीक है, तो इस तरह से इस पैरालैक्टिक एंगल की हेल्प से और पैरालैक्स मेथड को यूज करके बच्चों हम डिस्टेंसेज ऑफ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देखते हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव, हाँ जी बच्चों, तो हमने क्या देखा, अभी हमने ये वाली डायग्राम बनाई थी बच्चों. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओ, और ये हमारी लेफ्ट आई है और ये हमारी राइट आई है. ठीक है बच्चों, अगर हम देखें, अगर मैं कोई चीज की ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं फ्रॉम माय आईज, तो जितना ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा ये पैरालैक्टिक एंगल उतना ही छोटा होता जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज एल आर आर्क बाय दिस रेडियस और लेंथ. ठीक है, इफ रेडियस बच्चों बहुत इंक्रीज कर गया, बिकॉज इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत दूर होंगे, तो थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा इज
वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट्स हमारे से दूर होते जाएंगे ये पैरालैक्टिक एंगल थीटा जो है वो उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो अगर पैरालैक्टिक एंगल हमारे से बहुत छोटा हो जाएगा तो उसकी जो कैलकुलेशंस वगैरह हमारे से बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, दीज टू लेफ्ट एंड राइट आईज को छोड़ के हम यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट्स ले, दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स ले लेते हैं जिनका सेपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी समझने वाली चीज़ है, सुना। अब देखेंगे बच्चों इसको कैसे करना है। सपोज हमारे पास ये सन है बच्चों, ठीक है, एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, ठीक है। सपोज एट एनी इंस्टेंट अर्थ इज एट द पॉइंट ए, यहाँ पे कौन है बच्चों, दिस इज द पोजीशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, अर्थ के सामने कोई बहुत दूर एक हमने स्टार सपोज कर लिया, सपोज दिस इज कैपिटल एफ, ठीक है, और अगर ये बहुत ज़्यादा दूर है हमसे तो इसकी जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहेगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो ये हमने ले लिया बच्चों कैपिटल एफ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई एक और स्टार है ओ, जिसका हम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्रॉम अर्थ, ठीक है, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ए, क्योंकि अब हमारी अर्थ कहाँ पे है, एट द पॉइंट ए, ठीक है। लेट दिस इज हाउ मच, दिस इज ए, एंड व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, वी वांट टू फाइंड आउट ए ओ, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती है, उसकी हेल्प के साथ हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया एफ ए एन, ठीक है। लेट द एंगल इज थीटा वन, तो हमारे पास एंगल क्या है बच्चों, एफ ए एन विच इज हाउ मच, थीटा वन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत दूर है तो हम लेफ्ट आई और राइट आई के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच जो डिस्टेंस है बहुत कम है, और अगर बी बहुत कम होगा, बेसिस बहुत कम होगा, तो हमारा जो एंगल है बच्चों बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट हम कहीं और लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमें जो बेसिस है उसका साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ बच्चों हम क्या करते हैं, हमें पता है अर्थ सूरज के अराउंड वन ईयर में अपना चक्कर कंप्लीट करती है, ठीक है। तो आफ्टर सिक्स मंथ, अब ए पॉइंट पे है कभी भी, तो आफ्टर सिक्स मंथ बच्चों ये दूसरी साइड पहुंच जाएगी एट द पॉइंट बी, ठीक है। आफ्टर सिक्स मंथ्स अर्थ शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी, अब ए से बच्चों अर्थ कहां पे शिफ्ट होगी, बी पॉइंट पे शिफ्ट होगी, और एफ स्टार बच्चों क्या था, दिस इज वेरी फार अवे स्टार, तो इसकी पोजीशन अर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑलमोस्ट वही रहती है, तो ये इसके बिल्कुल सामने होगा लाइक दिस, ठीक है। और ये वाला ऑब्जेक्ट पहले हमें इस साइड पे नजर आ रहा था, अब हमें लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, तो अब इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, क्लियर। और अगेन वी विल फाइंड आउट दिस एंगल एफ बी ओ, एंड दिस एंगल इज, सॉरी बच्चों यहां पे है एफ ए ओ नॉट एफ ए एन, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना बच्चों, एफ बी ओ, एंड दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा टू, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं बच्चों, दिस एंगल इज हाउ मच, एफ बी ओ विच इज थीटा टू, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गई बच्चों, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इज अबाउट बी, और वो किसके बराबर होगा बच्चों, डबल ऑफ एस, ठीक है। एस बच्चों हमारा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बच्चों कितना होता है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, दैट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
दैट इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बच्चों कितना होता है, 1.496 इंटू 10^11 मीटर. दिस इज वॉट वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ठीक है, तो हमारा ये बी कितना है बच्चों, 2 AS. तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बिकॉज AS इज वॉट बच्चों, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. ठीक है, सो नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा 1 एंड दिस एंगल इज थीटा 2, तो बच्चों अगर हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करें, वी नो दैट एंगल एफ ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस. ठीक है, एंगल एफ ए ओ इक्वल टू एंगल ए ओ एस. ठीक है, तो ये एंगल भी बच्चों कितना हो गया, दिस इज थीटा 1. सिमिलरली एंगल एफ बी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ओ एस. एंगल एफ बी ओ इक्वल टू एंगल बी ओ एस. तो ये एंगल बच्चों कितना हो गया, दिस इज थीटा 2. ठीक है, और टोटल एंगल बच्चों ये कितना बन गया, टोटल एंगल इज व्हाट, थीटा 1 प्लस थीटा 2. अगर मैं यहां पे लिख दूं बच्चों, तो टोटल एंगल का नाम क्या होगा, ए ओ बी. ए ओ बी दिस इज व्हाट, हाउ मच, थीटा 1 प्लस थीटा 2. ठीक है, जो मैंने पहले डायग्राम बनाई थी बच्चों, ये वाली, इस तरह से कुछ, ये डायग्राम ए ओ बी एल ओ आर का ही कुछ बड़ा वर्जन है हमारे पास. यहां पे हमने क्या लिखा था बच्चों, बी, और ये हमारा यहां पे एंगल कितना बन रहा था, थीटा. ठीक है, इस केस में मैंने क्या लिखा था, थीटा इज व्हाट, बी बाई ओ एल. ठीक है, दिस थीटा इज व्हाट, बी बाई ओ एल. तो इस केस में बच्चों हमारा थीटा क्या आएगा, सो नाउ अगर मैं इस डायग्राम को इस डायग्राम से कंपेयर करूं, थीटा हमारा कितना होगा बच्चों, थीटा 1 प्लस थीटा 2. बी हमारा कितना हो गया बच्चों, ए बी विच इज हाउ मच, 2 AS. ठीक है, और ये ओ एल कितना हो गया बच्चों, ए इन ओ. ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, वी नो दैट थीटा, अगर मैं इसको सारे एंगल को थीटा बोल दूं, थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट, ए बी बाय ए ओ यूजिंग दिस डायग्राम. ठीक है, एंड दिस डेफिनेशन. सो व्हाट वी हैव, थीटा इज व्हाट बच्चों, एंड वी वॉन्ट टू कैलकुलेट ए ओ, हमें ए ओ कैलकुलेट करना है, तो ए ओ बच्चों क्या आ जाएगा, ए बी बाय थीटा. ठीक है, ए ओ इज व्हाट, ए बी बच्चों हमारा क्या है, दिस इज ए बी, तो ये है 2 AS विच इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय थीटा बच्चों क्या है हमारा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2. अगर बच्चों हम थीटा 1 एंड थीटा 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस जगह पे हम ये वैल्यूज रखेंगे, तो हमारा ए ओ मतलब डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार वी कैन इजिली फाइंड आउट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज बच्चों पैरेलेक्स मेथड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम ट्रायंगुलेशन मेथड. हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ट्रायंगुलेशन मेथड. ठीक है, ट्रायंगुलेशन मेथड बच्चों क्या है, बेसिकली हम इसमें लॉज ऑफ जो है ट्रिग्नोमेट्री वो यूज करेंगे. ठीक है, इसमें हमारे पास दो तरह की मेथड है, फॉर असेसिबल ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड सेकेंड इज फॉर इन असेसिबल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें बच्चों हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट इज असेसिबल ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट. असेसिबल एंड इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट में बच्चों क्या फर्क है, जिस ऑब्जेक्ट तक हम जा सकते हैं उसको हम बोलते हैं असेसिबल ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट इस तरह का है जिसकी हमने ऊंचाई या हाइट फाइंड आउट करनी है और उसके पास हम नहीं जा सकते, दैट इज कॉल्ड एज इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट. ठीक है,
तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमारे यहाँ घर के पास कोई बच्चों पेड़ है या कोई टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। सो दिस इज सपोज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, दिस इज सपोज टावर, ठीक है, जिसकी हाइट बच्चों हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। सो बाई यूजिंग द लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन सिंपली फाइंड आउट इट्स हाइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा असेसिबल ऑब्जेक्ट है, इसके बेस तक हम जा सकते हैं, इसके बेस से लेके कुछ डिस्टेंस दूर तक हम एक नया पॉइंट सी ले लेंगे, ठीक है। बिकॉज हम इसके बेस तक जा सकते हैं, तो जहां पे हम ये सी पॉइंट पे खड़े हैं, सी पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है बच्चों, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट और बेस ऑफ द, दिस इज व्हाट, बेस ऑफ टावर। हमारे पास ये ए बी कौन सा ऑब्जेक्ट है बच्चों, असेसिबल ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेके बेस तक का डिस्टेंस हम इजीली किसी ना किसी मेजरमेंट से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन डिस्टेंस, क्लियर। ये डिस्टेंस बी सी हमें बच्चों क्या है, बी सी इज नोन, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट आता है विच इज कॉल्ड एज सेक्सटेंट। सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ बच्चों हम किसी भी जगह पे खड़े होके किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम सी पॉइंट पे खड़े हैं, तो वहां पे हम सी पॉइंट पे वो सेक्सटेंट फिट कर देंगे अपना इंस्ट्रूमेंट, तो उससे हम बी से लेके ए तक का ये एंगल बी सी ए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज द एंगल इज हाउ मच, थीटा। अगर बच्चों हमें दिस एंगल थीटा पता चल गया, कहां से पता चला, फ्रॉम द सेक्सटेंट, हमने वो यूज कर लिया, तो बी सी डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, वो हमने मेजर कर लिया था। सो व्हाट इज दिस, दिस ट्रायंगल इज व्हाट, हम लॉ यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, वी नो दैट टेन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो परपेंडिकुलर इज बच्चों ए बी, बेस इज व्हाट, बी सी, ए बी बच्चों हमने फाइंड आउट करना है, क्लियर, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। बी सी बच्चों हमें पता है, थीटा भी पता है, तो व्हाट इज दी ए बी, ए बी को मैं एच भी लिख सकता हूं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली बी सी इंटू टेन थीटा, बी सी इंटू टेन थीटा, बी सी बच्चों हमें पता है, थीटा हम फाइंड आउट कर लेंगे बाई यूजिंग द सेक्सटेंट। तो अगर बी सी और थीटा हमें पता चल गए, वी कैन ईजिली फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस टावर, क्लियर। सो दिस इज वेरी सिंपल विच इज कॉल्ड एज द मैथड फॉर द असेसिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद बच्चों है हमारे पास फॉर द इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट। ये तो बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट हो गया असेसिबल, नेक्स्ट इज वॉट, नेक्स्ट इज इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट। इन असेसिबल ऑब्जेक्ट के केस में बच्चों हम बेस के पास नहीं जा सकते। जैसे हमारे पास सपोज इस तरह का कोई केस लो, हमारे पास कोई नदी है या कोई लेक है, उसके अंदर कोई चीज खड़ी है जिसकी काफी हाइट है, ठीक है, या कोई अंदर उसके अंदर कोई वृक्ष है, पेड़ लगा हुआ है, उसकी हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हम जैसे लेक के बाहर कोई धरती है, धरती के ऊपर हमने कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया, बट अब बेस के पास हम नहीं जा सकते, क्योंकि सपोज यहां तक पानी है, ठीक है, इसके पास इधर सैंड है, ठीक है, तो हम बेस के पास, इस ट्री के बेस के पास बच्चों नहीं जा सकते, ठीक है। पर लेक सपोज इस रीजन में क्या है बच्चों, लेक है, बट इधर तो हमारे पास धरती है, सैंड है, तो हम यहां पे कहीं पे भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमने एक पॉइंट बच्चों यहां पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने यहां पे सिलेक्ट कर लिया। दिस इज एन ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट बच्चों हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट सी एंड डी हो गए, ठीक है। अब इसको इनअसेसिबल इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट जिसकी हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, उसके बेस तक हम डिस्टेंस मेजर
नहीं कर सकते। अगर डिस्टेंस मेजर कर सकते तो हम पिछला मेथड लगा देते, दिस इज वेरी मच सिंपल। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? ठीक है, जो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लगाए थे मार्क्स। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक हमारे पास अभी मैंने बताया आपको इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज व्हाट, सेक्सटेंट। उसको हम फिट करेंगे एट द पॉइंट सी, और इस पॉइंट सी से हम बी ओ बी सी ए एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, फ्रॉम द पॉइंट सी वी विल फाइंड आउट एंगल बी सी ए। सपोज दिस एंगल इज बच्चों थीटा वन। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज सेक्सटेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस सेक्सटेंट को हम डी पॉइंट पे ले जाएंगे, एंड फ्रॉम द पॉइंट डी वी विल फाइंड आउट द एंगल, एंड लेट द एंगल इज थीटा टू। ठीक है, अब सी एंड डी पॉइंट्स बच्चों हमने कहाँ पे लिए हैं, धरती के ऊपर लिए हैं, जहाँ पे सैंड है, पानी नहीं है, वहां पे लिए हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सो दिस डिस्टेंस इज नोन। ठीक है, एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस हाइट एच। ठीक है, तो हम कैसे इसको यूज करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है। फर्स्टली वी विल टेक दिस ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी व्हाट इज अवर टेन थीटा वन, टेन थीटा वन बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर बच्चों क्या है हमारा ए बी, और बेस हमारा है बी सी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से बच्चों बी सी क्या आ गया, दिस इज ए बी ओवर टेन थीटा वन। ठीक है, इसको हम इधर ले गए और टेन थीटा वन को नीचे ले आए। ठीक है, वन बाई टेन बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा। तो अगर मैं वन बाई टेन को लिख दूँ, दैट इज वॉट कॉट ऑफ थीटा वन, और ये हमारी सपोज बच्चों इक्वेशन नंबर वन होगी। ठीक है, अब हम यूज करेंगे पूरी ट्रायंगल ए बी डी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी व्हाट इज टेन थीटा टू, अगेन परपेंडिकुलर इज ए बी बाई बेस बच्चों वो क्या है बी डी। ठीक है, तो अब इस केस में से बच्चों बी डी कैसे निकालेंगे, बी डी इज व्हाट टेन थीटा टू नीचे आ जाएगा, इसको हम इधर ले गए, सो दिस इज व्हाट ए बी बाई tan theta 2। ठीक है, अगेन 1 by tan theta 2 is what you, BD is what AB into cot theta 2, and this is what, this is our equation number 2. So what we have bachcho, we have two equations, first is equation number 1 and second is equation number 2। ठीक है, और हमें बच्चों पता क्या है, we know this distance CD। ठीक है, because these two points are taken on the sand, clear, and the distance between these two points can be taken as or measured easily। ठीक है, so what is CD, अगर मैं CD को लिखना चाहूँ बच्चों क्या लिख सकता हूँ, this BD minus BC। ठीक है, CD क्या है, this total distance minus BC, तो CD बच जाएगा, so this is what BD minus BC, clear, so CD is what, BD बच्चों क्या है, BD is AB cot theta 2 minus BC बच्चों क्या है हमारा AB cot theta 1। ठीक है, so हमने equation number 1 और equation number 2 को यहाँ पे use कर लिया, so CD बच्चों क्या है, CD is what AB common आ जाएगा, and this is what cot theta 2 minus cot theta 1, तो हमने find out करना है बच्चों AB, तो AB हमारा BC, that is what, that is h height, and कितना आ जाएगा बच्चों CD by cot theta 2 minus cot theta 1, so in this way we can find out the height of an inaccessible object by using the triangulation method। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी आते हैं, आप इन दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करना, पैरलेक्स मेथड एंड ट्रायंगुलेशन मेथड। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।